ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम एक जनरल रीडिंग लेके आए हैं जो कि है नो कांटेक्ट लव सिचुएशन पे, जिसमें कि आप भले ही अपने पार्टनर से किसी रीज़न से बातचीत नहीं कर रहे, आप दोनों की बातचीत बंद है और कुछ टाइम से आप दोनों दूर हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं हो रही है आप दोनों की, और कहीं ना कहीं आप जानना चाहते हैं आपकी फ़िलहाल आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं और आपको क्या गाइडेंस मिल रही है इस पूरी सिचुएशन में डिवाइन की तरफ से, क्या करना चाहिए आपको। तो उस पर एक रीडिंग है फ्रेंड्स, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आप इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लें और किसी चीज़ को खुद पे फोर्स ना करें, क्योंकि ये सब एक ही राशि के सभी तरह के लोगों पे, और ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे मैच हों। इसे सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाएँ उसके अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। एक लास्ट बात, जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर उन्हें अच्छा लगता है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन पे लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे वो उतने लोगों तक पहुँचेंगे, उतने लोगों के पास आगे जाएंगी ये वीडियोज़, और क्या पता कौन सा मैसेज किन लोगों के लिए है, प्लस ये मेरे चैनल को भी बूस्ट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये छोटी सी गुजारिश थी मेरे लिए, जो आप कर सकते हैं मेरी वीडियोस को सिर्फ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं स्नो कॉन्टैक्ट में। सबसे पहले मैं आपकी करंट फीलिंग्स निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की। पेज ऑफ सोर्ड्स, कर्मा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे सोर्ड्स के कार्ड हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपकी अगर एनर्जी देखूं और आपकी जो फीलिंग्स देखूं, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट जोन में हैं। मतलब मुझे आपकी जो एनर्जी और आपकी रीडिंग है ना, वो बिल्कुल बुरा मत मानना प्लीज़, पर कैप्रिकॉन अच्छी नहीं आई। अच्छी क्या नहीं आई, कि आपने ना कुछ चीज़ें ऐसी कर ली हैं, या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में लोगों की वजह से ऐसी हो गई हैं कि आप रिग्रेटफुल एनर्जी में हैं। आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को अगर सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, रिजॉल्व भी करना चाहते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे। आप इतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ में डाउन हो गए हैं, और आपका जो पूरा बिहेवियर है, एक तो देखिए मुझे हो सकता है, देखिए आप पहले बहुत लविंग रहे हो, बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत हेल्पफुल थे, अभी जो आपने एक अपना पूरा जो नेचर बना लिया है, चाहे इस पर्सन की वजह से बनाया हो, इनकी गलतियों की वजह से बनाया हो, या आपने उन छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड पे इतना ज़्यादा ले लिया है कि आपने एक ऐसा कड़ा रुख अपना लिया है इस पर्सन के तरफ, और एक जो नो कांटेक्ट में, कि आपको ही सफ़र करना पड़ रहा है, आपको ही एफर्ट में लगाना ही बंद कर दिया आपने, बिल्कुल इस तरीके से कर लिया है अपने इस पूरे बिहेवियर को, कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं लाइफ को कौन सी तरफ लेके जाऊँ, या ले मुझे कहीं नहीं रुकना, जबकि आपने इस रिश्ते में मेहनत की है। हाँ, आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो है आपका इम्पल्सिव नेचर। आपने शायद शुरू से अब तक इम्पल्सिवनेस दिखाई है। इम्पल्सिवनेस का मतलब है हर चीज़ में ओवर रिएक्ट करना, हर चीज़ को दिल को ताड़ बनाना, जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है। और आज ये हो गया है कि शायद सामने वाला भी और शायद आप दोनों ही बर्दाश्त कर कर के पूरा थक चुके हो, अब आप ड्रेन हो चुके हो, आपको लगता है कि मैं कैसे अब संभालूं यहाँ से।
तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ कार्मिक फील होता है, आपको लगता है कि मैं किन चीज़ों का कर्मा भुगत रही हूँ, मैंने ऐसा क्या गलत किया है, मैं क्या करूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसे वाला आपका जो मुझे एक ऑरा नज़र आ रहा है। फॉर नेक्स्ट वन वीक आप अपनी ही सोच में इतना फंसे हैं कि आपको खुद को नहीं पता लग रहा, और आपको देखो क्लैरिटी करनी पड़ेगी। अगर आप फंसे रहोगे ना ऐसे ही कैप्रिकॉन तो सही नहीं होगा। आपका पार्टनर क्या सोचता है, उसके माइंड में क्या है, वो किस थॉट प्रोसेस में है अगर मैं देखूं तो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, उनके बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स के कार्ड थे हैं, आपके स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड द अननोन कार्ड आया है। देखिए आपका जो पार्टनर है, एक चीज़ मैं आपको उनकी तरफ से बताऊं कि ये पर्सन ने आपको जब जितना भी प्यार किया है, जितना भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाया, वो जेन्युइन लगाया। और मैंने आपको भी यही बोला कि आपने भी अपनी तरफ से इनको बहुत ज़्यादा केयर एंड लव दिया है, लेकिन आपकी तरफ से जो इम्पल्सिवनेस का बिहेवियर चलता रहा, यानी कि ओवर रिएक्ट करने का, उसे ये इंसान भी देखिए कुछ हद तक ही संभाल पाया या पचा पाया, क्योंकि हर एक इंसान की एक लिमिट होती है, वो उसके बाद वो भी उतना ज़्यादा नहीं संभाल सकता। या जबकि ये बहुत लविंग पर्सन है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, इस इंसान ने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन एंड लव दिखाया, बट जिस तरह से चीज़ें टर्न आउट हुई, जिस तरह से चीज़ों को संभाला गया, और जिस तरह से आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा एक मना सा हुआ चीज़ों को लिए, या आपने शायद एफर्ट डालना ही बंद कर दिया। अब रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, आपकी सोच किस हिसाब से मुड़ी, लेकिन अगर मैं इस इंसान की रीडिंग देखूं तो ये सोचता है, ये आज भी होपफुल है, आज भी ये सोचता है या सोचती है कि काश हम दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो जाए, किसी तरह से न्यू बिगनिंग हो जाए। मतलब मुझे ये पर्सन बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहा है, और मुझे इसकी तरफ से नहीं दिख रहा कि ये आपको कोई छोड़ना चाहता है, या इसके मन में ये है कि मैं कैप्रिकॉर्न को छोड़ दूँ और कैप्रिकॉर्न के बिना अपनी लाइफ को जियो। बट एक अननोन फियर में ये ज़िंदगी बिता रहा है, ये भी तो क्लियर ये भी नहीं है अपनी लाइफ में आपको लेके, ठीक है। अब मैं इनकी तरफ से लव मैसेजेस देखूंगी, क्या ये आपको कोई लव मैसेज देना चाहते हैं, जो आपको आपको भी बहुत इंतज़ार है जिस चीज़ का, और आप भी वेट कर रहे थे कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। सो निकालते हैं लव मैसेज फ्रॉम कैप्रिकॉर्न के पार्टनर, वो क्या सोचते हैं। देखिए यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बोला था कि आप और इनके बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमेशा से रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप बहुत अभी फ़िलहाल इम्पल्सिव एंड एडमेंट हो गए हैं, आपने हर चीज़ को पकड़ लिया है, आपको चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के बैठे रहेंगे, तो या तो ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूट जाएगा, या फिर आपका पार्टनर मूव ऑन कर देगा। You always wish for my success. तो आपने किया है पहले, इनको बहुत हेल्प किया है, इनकी सक्सेस के लिए खड़े रहे हैं, इनके लिए आगे बढ़े हैं, इनको सपोर्ट किया है कैप्रिकॉन, बट अभी जो आपका नेगेटिव एक बिहेवियर हो गया उसको आपको बदलना होगा, ठीक है। सो ये मुझे दिख रही हैं फिलहाल आपकी पर्सन की लव मैसेजेस आपके लिए। अब हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, एग्जैक्टली आपको डिवाइन की तरफ से क्या एक सीख कह लीजिए, या एक चेतावनी कह लीजिए, जैसे भी आप समझे, गाइडेंस की तरह। सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो अगर आपको किसी बहुत फिक्र है कि वो कैसी होगी या कैसा होगा, तो ऐसा स्ट्रेस मत लीजिए, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, चीज़ें अपने ही जोन के और अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगी। आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ को लेकर सोचिए कम, और अपनी लाइफ में आगे ज़्यादा बढ़ने के रास्ते ढूंढिए, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, सो एक पर्सनल इशू जो आपका बहुत टाइम से चल रहा है, चाहे वो इसी पर्सन के साथ है, उसमें ज़रूर आने वाले टाइम में एक सोल्यूशन आएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं
कि वो सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा और आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। बट आपको जो चेंजेस अपने अंदर लाने हैं उसके बारे में अब आपको सोचना पड़ेगा कैप्रिकॉन, कि किस तरह से आप खुद को पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई आपकी फ़िलहाल डिवाइन गाइडेंस। होप आपको इससे रीडिंग से बहुत क्लैरिटी मिली हो कैप्रिकॉन, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।